सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज नहीं, एक यूट्यूब का नया अपडेट आया है और ये अपडेट उनके लिए है जिनका कि चैनल मोनेटाइज है। यस, यू पीपल आर वेरी लकी दोज हु हैव मोनेटाइजेशन। ओके, तो जिन लोगों को मोनेटाइजेशन है और अर्निंग कर रहे हैं वो, तो उनके लिए आफ्टर द लॉकडाउन एक नया अपडेट आया है, यूट्यूब ने किया है, जो कि मुझे 5-6 दिन हुए पता चले हुए। और वो जो है वो 25 जुलाई, नॉट श्योर, इन दो डेट में से 25 या 27 जुलाई से वो लागू हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि जो भी यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, और जिनकी की मोनेटाइजेशन ऑन है एंड दे आर अर्निंग ओके थ्रू द एड, थ्रू व्यूज, वॉट एवर, तो अपडेट ये है कि जो आपकी इनकम जो लॉकडाउन में नीचे थोड़ा कम हो गई थी जिन लोगों की, हम लोग तो उसने खुश नसीब अभी हुए ही नहीं है, तो जब आप एड लगा रहे थे अपने वीडियोज़ में, तो वो एड बिगनिंग फ्रॉम, मतलब वीडियोज़ की एक वो लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा था। आई थिंक 15-17 मिनट वाले जो वीडियोस होते थे उनमें इन बिटवीन लगती थी, पूरा कंफर्म नहीं है मुझे क्योंकि वो मैंने भी कहीं से खबर सुनी है, पढ़ा तो मैंने भी नहीं है वो अपडेट। तो उसमें क्या है कि जिनके आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा के जो वीडियोस थे ना, उनमें वो बीच में लगा पाते थे एड, अदरवाइज आप शुरू में ऐड लगाते हैं, लास्ट में ऐड लगाते हैं, ये होता है। तो अब उसने, यूट्यूब ने क्या किया है कि जिनके वीडियो की लेंथ जो है 8 to 10 minutes, आई थिंक 8 मिनट वाले भी या 10 मिनट वाले तक जो है, 10 मिनट वाले तक, वो क्या है अपने वीडियो में बीच में भी ऐड जो है वो लगा सकते हैं। और जब आप नए ऐड लगाएंगे, एक मतलब एक्स्ट्रा ऐड बीच में भी लग रहे हैं आपके ऐड, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक मेरा छोटा सा अपडेट था जो मुझे बस यहीं कहीं से ऐसे पता लग गया था, तो बस आया और बस मैंने कहा बस निकाल दो इस खबर को जैसे भी है। तो बाकी जो है आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, उनके वीडियो देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। देखो कितनी अच्छी मैं दूसरों को रिकमेंड कर रही हूँ, बट ये छोटी सी खबर जो मुझे लगी थी वो यही है। तो उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी, अब मेरा तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं तो मैं आपको मैं बताती, उसमें एक एक्शन बटन है, एक्शन बटन अगर आप उसके थ्रू करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ऐड है वो बीच में भी लग जाएगा वीडियो के, एंड द फ्रॉम बिगनिंग टू जितने भी आपके लास्ट के वीडियो जो पुराने उनमें भी लग जाएगा और आगे भी अपने आप लगता रहेगा। और दूसरा है मैनुअली, यानी आप एक एक वीडियो पे लगाओ, तो आई थिंक बेटर वे है कि वो एक्शन वाले बटन वाला आप लगा लीजिए। तो इतना सा अपडेट था, छोटू सा अपडेट था। उम्मीद करूंगी कि आज ये आपकी जो उर्मीज व्लॉग टेक्निकल में जा रही है ना, तो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उर्मीज व्लॉग को देखते रहेंगे, व्लॉग भी आएंगे जल्दी।